लाइव नहीं चलते, रिकॉर्डिंग। अच्छा बस बस। दोस्तों, धाकड़ छोरा के नाम से जाने जाने वाले हरियाणवी एक्टर उत्तर कुमार अपने धाकड़ अंदाज के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी नई फिल्म तगड़ा को बड़े जोरों शोरों के साथ रिलीज किया, लेकिन दर्शक जो बड़ी बेसब्री के साथ उनकी हर फिल्म का इंतजार करते हैं, उन्हें ये देखकर बड़ा झटका लगा कि इस फिल्म में उत्तर कुमार नहीं बल्कि उनकी जगह एक नया एक्टर था जिसका नाम था प्रभात कुमार धामा। लेकिन उत्तर कुमार ने इस बात को दर्शकों से छिपाए रखा कि प्रभात कुमार उनके खुद के बेटे हैं जो इस फिल्म में नई हीरोइन निधि के साथ में नजर आए। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो कमेंट बॉक्स तमाम प्रतिक्रियाओं से भर गया, जिसमें सबसे ज्यादा कमेंट इस बात के थे कि दर्शक उत्तर कुमार को देखना चाहते थे उनकी हर फिल्म में। हालांकि उत्तर कुमार ने एक स्कूल की पृष्ठभूमि पर बनी कहानी को बनाने में कोई कोरो कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी दर्शकों का कोई खास रिस्पांस नहीं मिला और फिल्म अभी तक 5 मिलियन व्यूज ही क्रॉस कर पाई है। कुल मिलाकर उत्तर कुमार अपने बेटे को लॉन्च करने में लगभग असफल रहे। उन्होंने वक्त की नजाकत को समझा और दर्शकों की पुरजोर मांग का ख्याल रखते हुए उन्होंने जल्द ही अपनी नई फिल्म की घोषणा कर दी है। फिल्म का नाम है अड़ियल, जो 25 मई को रिलीज होने जा रही है। जिस चैनल पर रिलीज होगी उसका नाम है मन्नू। लेकिन दर्शक एक बार फिर निराश हो सकते हैं क्योंकि इस फिल्म में भी उत्तर कुमार एक मेहमान भूमिका में हैं, जबकि मुख्य भूमिका में है रामित और उनके साथ हीरोइन बनी है मेघा चौधरी। जबकि इस फिल्म में उनके साथ उत्तर कुमार टीम के अन्य कलाकार जिनमें राजेंद्र कश्यप, राजीव सुरोही, विकास बालियान, अमित सहोता वगैरह वगैरह भी दिखाई देंगे। लेकिन इस फिल्म में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है तो वो ये है कि इस फिल्म को लंबे अरसे के बाद डायरेक्ट कर रहे हैं दिनेश चौधरी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कुमार के फैंस बखूबी जानते होंगे कि दिनेश चौधरी वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने उत्तर कुमार की शुरुआती फिल्मों का निर्देशन किया था, जिनमें धाकड़ छोरा, खड़दू, खड़तल, निकम्मा, करमवीर और तमाम अनगिनत फिल्में, जिनसे उत्तर कुमार के कैरियर को बल मिला और आज वो एक बड़े स्टार के रूप में जाने जाते हैं।